The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what are the reasons you have a sore taste, acidic taste in your mouth? Mouth mein khatta khatta feeling kyun hoti hai? Subah subah zyada kyun hoti hai? राइट सो इसके बहुत सारे कारण हैं, राइट और हम बात करेंगे कारणों की. कई लोग इसको नोटिस करते हैं कि खाना खाने के बीच में, एक बार खाया दूसरी बार खाने के बीच में उनको इस तरीके का फीलिंग हो रहा है. और कई लोग अर्ली मॉर्निंग में फील करते हैं. कई बार इसके वजह से आपको भूख भी कम लगती है, राइट. सो हमें इसके कारणों को जानना जरूरी है भाई, सबको जानना चाहिए कि क्यों होता है ऐसा. और ये हर एक के साथ कभी ना कभी होगा ही होगा. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि ये क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेस, राइट. याद रखिए कि इसमें सबसे बड़ा, सबसे पहला जो कॉज है वो क्या है, वो सबसे कॉमन कॉज है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन, जी हाँ, पानी की कमी. जब आपको शरीर में पानी कम हो जाता है, जब शरीर में वाटर की डेफिशिएंसी हो, तो क्या होगा, ये एक सिंपल सी चीज़ है. ड्रिंक, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर विल कॉज यू डिहाइड्रेशन, कॉजिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. वाई? बिकॉज यू हैव अ ड्राई माउथ. बिकॉज ड्राई माउथ के वजह से माउथ में जो खट्टा खट्टा फीलिंग आने लग जाता है, दैट इज़ वन थिंग, राइट. बिकॉज इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा पानी पीना है. कितना? एटलीस्ट 8 glasses, 8 to 12 glasses, डिपेंडिंग अपॉन आप बाहर काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितना पसीना निकल रहे हैं उतना आपको पानी पीना है. सो 8 to 12 glass पानी पियेंगे, आपका डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगा, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. कई लोगों का मॉर्निंग में इसलिए होता है क्योंकि रात भर में पानी नहीं पिया होता, रात भर में यूरिन गए होते हैं, पेशाब में गए होते हैं, तो डिहाइड्रेशन मॉर्निंग में आता है. मोस्ट कॉमन रीजन इज दिस. द सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इज स्मोकिंग. रेदर इसको हम नंबर वन डिजीज कहेंगे, जो डिजीज कॉजिंग चीज जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं. नंबर वन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड इज स्मोकिंग, राइट. एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है स्मोकिंग. से क्या होता है, इससे आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं वो डल होते जाते हैं, वो अनप्लेजेंट और खट्टा खट्टा फीलिंग आने लग जाती है. एक खट्टा भी नहीं, कड़वा कड़वा आना शुरू हो जाता है. यहाँ तक के एक स्मोकर के लिप्स भी पिंक से ब्लैक होने लग जाते हैं. यू नो व्हाट आई मीन, यू हैव सीन इट. यस आई नो, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है कि नहीं. एनीवेज, सो स्मोकिंग इज वन ऑफ द बिग रीजंस. और इससे आपको अनप्लेजेंट टेस्ट, एक गंदा सा टेस्ट मुंह में आने लग जाता है. और उसी के साथ स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे अगर आप, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि थोड़े दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद ये टेस्ट बेटर हो जाएगा विथ प्रॉपर हाइड्रेशन. सो स्मोकिंग और डिहाइड्रेशन नंबर वन, नंबर टू रीजंस. नंबर थ्री रीजन जो है वो ऑब्वियसली, अब आए बात दांतों की. जी हाँ, दांतों में प्रॉब्लम. जी हाँ, दांतों में अगर हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, पुअर हाइजीन है, मान लो आप ब्रश रेगुलरली नहीं करते दिन में दो बार, या फ्लॉस नहीं करते, दांतों के बीच में छेद है, कैविटी है, कैविटी में खाना रखा हुआ है, तो वहाँ क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है. उस खाने का फर्मेंटेशन होगा और ऑब्वियसली जब भी कुछ फर्मेंट होगा वो खट्टा हो जाएगा, जैसे कि दूध खट्टा हो जाता है, दही खट्टा हो जाता है, वैसे. सो फर्मेंटेशन होगा वो खाने का, ये आपको याद रखना है. थर्ड चीज़, सर, थर्ड चीज़ पुअर ओरल हाइजीन. इसलिए आपको ब्रश करना है दिन में दो बारी, और स्मोक डेंटल चेकअप कराते रहना है रेगुलरली, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है. उसके बाद में जो बात है इन्फेक्शंस की, चौथा कारण है इन्फेक्शन या इलनेस. क्या होता है, जब भी आपको कोल्ड हो या कोई साइनस इन्फेक्शन हो, साइनस के बारे में हमने बात करी है पहले और कोल्ड के भी वीडियोज़ हैं. सो साइनस और इवन टॉन्सिल्स, इवन माउथ अल्सर्स, ये सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनमें दिक्कत हो सकती है आपको. और इस दिक्कतों में भी आपको खट्टेपन आ सकता है, बिकॉज इन्फेक्शन है, वहाँ पर भी एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाता है और टेस्ट खराब हो जाता है मुँह का, टेस्ट बड्स में प्रॉब्लम आती है. और जहाँ पर भी ऐसा होगा, इन्फेक्शन मुँह में होगा, तो आपको खट्टापन आएगा. इसके लिए क्या करना है, आपको अपना हाथ रेगुलरली धोना है. सबसे इंपॉर्टेंट है हाथ. जी हाँ, हाथ मुंह में जाता है या हाथ इधर उधर लगता है, उससे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है, उसी से सबसे ज़रूरी चीज़ है, राइट. अपने मुंह और नाक और आईज, उससे आसपास, हाँ दे दो, 50 50
50 दे दो अभी, फिर दे देंगे पोटेशियम है, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दो, ठीक है? और यू कैन रिड्यूस द चेंजेस ऑफ पिकिंग अप अ बग और गेटिंग एन इन्फेक्शन बाय हॉर्स. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुंह के नाक के इसके इन्फेक्शन में सबसे बड़ा हाथ है हाथों का. ये कर लेते हैं अपन कहीं भी हाथ लगा के सब चला जाता अंदर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू कीप योर हैंड्स क्लीन. डॉक्टर हो तो डॉक्टरों को तो स्टरिलियम से बार बार हाथ क्लीन करना पड़ता है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. और आप लोग हैंड सैनिटाइजर ले सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो ये चौथा बड़ा रीजन है इन्फेक्शन एंड इलनेस, साइनस इन्फेक्शन, कोल्ड इन्फेक्शन, गंदे हाथ, ये बहुत बड़ा रीजन है. पांचवा रीजन है दवाइयाँ. जी हाँ, कई सारी दवाइयाँ हैं जो मुंह का टेस्ट खराब कर देती हैं, कई सारी कड़वी दवाइयाँ हैं, कई सारे कैंसर की मेडिसिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स से भी मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, मुंह कड़वा लगने लगता है. सो ऑब्वियसली हमें पता है एंटीहिस्टामिन, सर्दी खांसी की दवाइयाँ भी आपको मुंह का टेस्ट खराब करती हैं. तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हो या सीरियस मेडिकेशंस हो, दवाई लेते हुए एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आपका मुंह का टेस्ट क्यों खराब हुआ. उसके बाद एक चीज़ है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. जी हाँ, आपने सुना है, कई लोगों को है, पेट में एसिड है, उसका एक वहाँ पे स्फिंक्टर है जो कि उसको ऊपर आने से रोकता है, फूड पाइप में वापस आने से वो ढीला है, तो ज़्यादा खा लिया, हाइएटस हर्निया है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, तो एसिड ऊपर आ सकता है छलक के, ऐसे में खट्टे डकार आएंगे, बर्निंग फीलिंग आएगी, मुंह में एसिडिटी, एसिड आएगा और इतना गंदा मुंह में टेस्ट आएगा कि पूछो मत. वो एसिड आपको पता है, कई लोगों को जिसको होता है उसको समझेगा, दैट इज़ गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. इसको प्रिवेंट करने के लिए स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, छोटी छोटी खाना, एक बार में स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट खाना है, और खाने के बाद लेटना नहीं है, इमीडिएट खाने के बाद पानी नहीं पीना है, खाने के साथ मिनिमम लिक्विड्स लेने हैं जितने पॉसिबल हो, एक घंटा पहले, दो घंटे के बाद पानी पीना है. मील साइज छोटा रखेंगे और अपने सर को थोड़ा सा एलिवेटेड रखेंगे अगर लेटें तो, रात को भी एक घंटे तक तो लेटना नहीं है, दो घंटे बाद भी सर को थोड़ा एलिवेट रखेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा. ठीक, फिर सातवां और आखिरी कारण है आपका उम्र. जी हाँ, उम्र के साथ जी हाँ, आपके टेस्ट बड्स कम होते, खराब होने लगते हैं, और टेस्ट बड्स के साथ साथ आपकी स्किन भी खराब होती है, श्रिंक होती है, रिंकल्स आते हैं, तो मुंह के अंदर भी उनकी सेंसिटिविटी खराब हो जाती है और आपको खाने पीने का टेस्ट आना कम हो जाता है, और कई बार कड़वा सा खट्टा सा टेस्ट रहता है मुँह में, और दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स, मोस्ट कॉमन रीज़न इन एल्डरली, उम्र के साथ. तो वो ये हुए आपके सात रीज़न, और इन सबको आप अच्छे से पानी पी के, स्मोकिंग बंद करके, थोड़ा नॉर्मल स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लेके, दवाइयाँ या इन्फेक्शंस अवॉइड करके, दवाइयाँ ऑब्वियसली जब है ज़रूरत तब है, जल्दी ख़त्म करिए अपना ट्रीटमेंट कोर्स और फिर यू आर गुड टू गो, और ब्रश रेगुलर करके अवॉइड कर सकते हैं अपने मुंह के अंदर गलत फीलिंग, गलत टेस्ट, और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए, डॉक्टर के पास जाइए. इन सब के अलावा और मेजर कोई और खास रीज़न नहीं है, और रेयर कॉजेज होते हैं, बट सेवन मोस्ट कॉमन रीजन यही हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, राइट देम डाउन, वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस राइट अवे एज यूजुअल. और बाकी यू नो यू हैव टू शेयर दिस नॉलेज. ओके, थैंक यू सो मच.